हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन के पेड़े। जी हाँ दोस्तों, बेसन के पेड़े। बेसन के लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे इंस्टेंट बेसन के पेड़े, जिसमें ना तो हम बेसन को फ्राई करेंगे ना ही कोई गैस जलाएंगे, और ये बन के तैयार होंगे सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ इसके लिए 1 कप रोस्टेड चना दाल, या भुना हुआ चना दाल है ये। आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं, बस वो सॉल्टेड नहीं होने चाहिए। इस भुने हुए चने को हम मिक्सी में पीस लेंगे और फाइन पाउडर बना लेंगे। ये बिल्कुल फाइन होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का लम्प्स नहीं हो। इसके साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3/4 कप चीनी। चीनी को भी हम पीस लेंगे। चीनी के साथ ही मैं यहाँ पे 3 से 4 इलायची डालकर चीनी और इलायची को फाइन पाउडर बना लूंगी। 3/4 कप चीनी पीसने के बाद ऑलमोस्ट 1 कप के लगभग चीनी हो जाता है, तो ये 1 कप चीनी और इलायची का पाउडर है। एक बड़े थाली में हम ये दोनों पाउडर एक साथ मिक्स करेंगे। चीनी मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और इसके साथ ये मैं ले रही हूँ घी। घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर दिया है ताकि इसे मिक्स करने में आसानी हो। धीरे धीरे ये घी इसमें डाल देंगे और इसे मिलाते जाएंगे। इसे हाथ से ही मिला देते हैं, ज्यादा आसानी रहेगा। अगर आपको लगे थोड़ा और घी चाहिए तो आप ऊपर से थोड़ा और घी डाल सकते हैं। और ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये बिल्कुल हाथ में ऐसे बंधने लगा है। अगर आप लड्डू के शेप में बांधे तो भी ये बहुत आसानी से लड्डू बन रहा है। तो चलिए अब हम इसको पेड़े का शेप देते हैं। छोटे छोटे बॉल्स हम इसमें से निकालेंगे, इसे ऐसे गोल शेप देकर दोनों हाथों के बीच ऐसे दबाएंगे और थंब से बीच में एक डिप्रेशन देंगे। अगर डिप्रेशन देते समय चारों तरफ दरारें आ रही हैं तो इसे उंगलियों की सहायता से स्मूथ करते हुए एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे। इसके बीच में हम कुछ भी सजा सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता के टुकड़े लगा रही हूँ, आप चाहें तो एलमंड्स या रेजिन्स या फिर काजू लगा सकते हैं। तो ये देखिए पेड़ा तैयार है। ऐसे ही करके हम अपने सारे पेड़े बना लेंगे। ये बहुत ही इजी फटाफट बनने वाली मिठाई है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं और आपको लगता है कि झटपट में मैं क्या बनाऊं, तो ये 10 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट स्वीट है और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल बेसन के लड्डू का फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। ये लीजिए, ये सारे पेड़े बनकर तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।